क्वेश्चन नंबर 24 में हमें इंटीग्रेशन करना है। 2 cos x माइनस 3 sin x और अपॉन में हमें गिवन है 6 cos x प्लस का 4 sin x। देखिए हम डिनोमिनेटर में देखते हैं 6 और 4 है, इन दोनों में हमारा 2 कॉमन है, तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे अपॉन में तो हमारा हो जाएगा 1/2। न्यूमरेटर हमारा ऐसा कैसे रहेगा, 2 cos x माइनस का 3 sin x, और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लेने के बाद हमारे यहाँ कितना बचेगा, 3 cos x हो जाएगा प्लस का 2 sin x हो जाएगा और dx रहेगा। अब आप देखिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वहाँ पर देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं देखिए 3 का तो 3 रहेगा, cos x का कितना हो जाएगा माइनस का sin x, तो माइनस के देखिए 3 sin x ये रहा, प्लस 2 कॉन्स्टेंट है ऐसा कैसे रहेगा, sin x का कितना हो जाएगा cos x, तो देखिए नीचे वाला जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमारा न्यूमरेटर बन रहा, तो मैं जो डिनोमिनेटर उसको टी लेट कर रहा हूँ, लिखेंगे लेट 3 cos x प्लस का 2 sin x इक्वल टू टी। 3 हमारा ऐसे रहा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस 2 हमारा ऐसे रहा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा इक्वल टू टी का हो जाएगा dt अपॉन dx। देखिए dx हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 3 sin x प्लस का 2 cos x इंटू में dx और इक्वल टू में कितना जाएगा dt। तो आप देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है ये और dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सिर्फ dt पुट कर देंगे, अपॉन में हमारा इसकी जगह क्या पुट करेंगे हम t, तो देखिए हमारा i क्या हो जाएगा 1/2 1/t dt हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t हो जाएगा प्लस का c, t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 3 cos x प्लस का 2 sin x, तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 log 3 cos x प्लस का 2 sin x और प्लस का c।